हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं खास कुछ टिप्स। मैं आज आपको फ्रेश एलोवेरा जेल को यूज़ करने का बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप रिंकल फ्री, क्लियर, ब्राइट और फेयर स्किन प्राप्त कर सकते हैं। और ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आपने पहले यूज़ किया है और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। देखिए, ये है फ्रेश एलोवेरा लीफ। आप इसको अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं या फिर आप गार्डन से इसको ले सकते हैं। किसी भी गार्डन में ये फ्रेश एलोवेरा जूस आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका लीफ ले और ये देखिए, ऐसा होता है फ्रेश एलोवेरा जूस। ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है और आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है। फ्रेश एलोवेरा जूस का लीफ आप कट कर ले, इस तरह से इसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद देखिए कि इससे एक येलो लिक्विड निकलता है। ये स्किन के लिए हार्मफुल होता है और ये बिल्कुल भी स्किन से टच नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, कट कर लेंगे। लेकिन इसको कम से कम 2 घंटे तक इस लीफ को ऐसा ही रहने देंगे। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कट किया लीफ, लेकिन उसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, 2 घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। और इसको अब हमें अच्छे से धो लेना है। येलो लिक्विड सारा सूख चुका है, अच्छी तरह से धोकर हमें यह लिक्विड सारा रिमूव करना है। बिल्कुल तुरंत यूज़ करने से ही उसे भी आपको कई बार इसके फायदे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये जो ये येलो लिक्विड है, ये आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करता है और आपको एलोवेरा का फायदा नहीं होने देता है। इसलिए अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और सारा येलो लिक्विड हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको सारे लिक्विड को रिमूव कर देना है। धोने के बाद ये देखिए, जो ये दोनों तरफ किनारे थोड़ी सी नुकीली होती हैं, इसको ध्यान से हमें कट करना है ताकि ये हाथ में ना लगे, और इसे हम कट कर देंगे। जितने आपको लगता है कि आपके लिए सही है लीफ, उतना हम कट करेंगे। सबसे पहले साइड कट करेंगे, फिर हम ये ऊपर वाला पोर्शन इसका रिमूव कर देंगे। ये देखिए, ये है हमारा फ्रेश एलोवेरा जूस। ये बिल्कुल फ्रेश है, स्किन के साथ रिएक्ट करता है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके हैंड्स पे, नेक पर, फेस पर, आप इसे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें शुगर डाल के अप्लाई करें तो ये एक तरह से स्क्रब का काम करता है। ये देखिए, फेस, नेक पर और हाथ पर हम लगाएंगे और 20 से 30 मिनट तक इसको ऐसे लगा रहने देंगे। और उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। नॉर्मल वाटर हो या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी हो, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का ठंडा पानी होना चाहिए। आप इसको डेली यूज़ करेंगे। डेली इसको इस तरह यूज़ करने के बाद आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कट करते ही लीफ फौरन यूज़ नहीं करना है और येलो लिक्विड को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। हम इसको एयर टाइट कंटेनर में इस जेल को इस तरह से लीफ से रिमूव कर भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक फ्रेश रहता है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। और आप इस लीफ को पॉली बैग में भी स्टोर कर सकते हैं एज इट इज़। 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है और आपके को बहुत फायदा पहुँचाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।